इसरो 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। इसरो 2013 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये तो है भैया, री एंट्रेंस ये नहीं है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होल्ड एंड वेट एंड नॉन प्रीएम्पशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये सब नेसेसरी कंडीशन है, री एंट्रेंस एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है डेडलॉक के लिए, ठीक है। इसरो 2009 का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन ए प्रोसेस इज रोल्ड बैक एज ए रिजल्ट ऑफ डेडलॉक द डिफिकल्टी व्हिच अराइजेस इज, ठीक है। हमने बात करी थी, जब हमने किस में बात करी थी, ये रोल बैक वाली, जब हमने डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी की बात करी थी, तो उसके अंदर रिकवरी के अंदर हमारा क्या था कि हम रोल बैक कर जाते थे, ठीक है। कैसे, जहां पे जैसे कि इस पोजीशन पर डेडलॉक हो जाता तो हम रोल बैक कर जाते थे, यानी पीछे जाते थे, पीछे उस स्टेशन उस तक जाते थे जहां पे हमारा डेडलॉक ना हो, ठीक है, रोल बैक कर जाते थे हम। हमने वो डेडलॉक उसके अंदर, डेडलॉक रिकवरी के अंदर पढ़ा था, डिटेक्शन एंड रिकवरी के अंदर, ठीक है। ये कब होता है, जब डेडलॉक हो जाता है उसके बाद, है ना। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में हमने देखा था रिकवरी वाले पार्ट में, ठीक है, कि किस तरीके से डेडलॉक से रिकवर करना है, ओके। तो उसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए प्रोसेस इज रोल्ड बैक एज ए रिजल्ट ऑफ डेडलॉक द डिफिकल्टी व्हिच अराइजेस इज, ठीक है। रोल बैक की वजह से इन सभी ऑप्शन में से क्या होता है भाई, रोल बैक की वजह से ना हमारा क्या होता है, स्टारवेशन होता है, स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन कैसे होता है कि भैया यहां से आया भाई, प्रोसेस आया यहां पे, उसको डेडलॉक फेस करना पड़ गया, तो वो पीछे क्या कर देता है, वापस रोल बैक हो जाता है, ठीक है। फिर वो दोबारा आने की कोशिश करेगा, तो अभी गारंटी नहीं है ना कि अगली बार उसे डेडलॉक फेस ना करना पड़े। सपोज करो वो दोबारा आया, उसे दोबारा डेडलॉक फेस करना पड़ गया, तो वो प्रोसेस क्या कर रहा है, स्टार्व कर रहा है, क्योंकि बार बार वो डेडलॉक में फंस जा रहा है, ठीक है। तो ये है, उसके अंदर स्टार्वेशन होता है। या फिर एक और एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि हमारा क्या है भैया, ये हमारी एक सिंगल रोड है, एक सिंगल रोड है, और यहां से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, और एक यहां से गाड़ी आ रही है, ठीक है। गाड़ी यहां से आई, यहां पे आई, यहां पे हो गया डेडलॉक, डेडलॉक हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सपोज करो कि ये हमारा प्रोसेस है, इसने रोल बैक कर लिया, ठीक है। सो अभी दोबारा, यानी कि रोल बैक, यानी कि इसका स्टार्व तो हुआ ही ना, जबकि उसका पहले ही काम खत्म होना है, डेडलॉक की वजह से उसे वापस पीछे जाना पड़ रहा है, तो वो स्टार्व कर रहा है, ठीक है। और उसे दोबारा आना, दोबारा सपोज करो कि दोबारा वो गाड़ी लेकर के आया, सिंगल ब्रिज है, सिंगल लाइन ब्रिज है सपोज करो, ठीक है, और ये वापस गाड़ी लेकर के आया, और वापस से यहीं पे ये वाली गाड़ी यहीं पे खड़ी है, ये वापस से आया और वापस टकरा गया, ठीक है, दोबारा डेडलॉक हो गया। तो ये बेचारा ये वाला प्रोसेस उस पार जाने के लिए स्टार्व कर रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही इसी तरीके से ये होता है, ठीक है। तो यही हमारा वो है, रोल बैक के अंदर क्या सिचुएशन होती है कि ये सक्सेसफुल कब होगा कि सपोज करो ये दो गाड़ियां, ये पीछे हुआ और ये वाली गाड़ी आकर के निकल गई, तभी ये अंदर गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये सिनेरियो तो ये भी हो सकता है ना कि बार बार ये जाने की कोशिश करे, हर बार डेडलॉक में फंस जाए, तो स्टार्वेशन होगी हमारी, ठीक है। तो रोल बैक की क्या प्रॉब्लम हो जाती है भैया, ये बैन प्रोसेस इज रोल बैक एज अ रिजल्ट ऑफ डेडलॉक द डिफिकल्टी व्हिच अराइजेस इज स्टार्वेशन, ओके। और सिस्टम थ्रूपुट भी कम होता है, ठीक है, सिस्टम थ्रूपुट भी कम होता है, लेकिन हमारा जो ज्यादा सुटेबल क्वेश्चन है वो ऑप्शन जो है ना, इसमें से स्टार्वेशन लग रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा देख लेते हैं, इसरो 2016 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसरो 2016 का क्वेश्चन कर देख लेते हैं। अ सिस्टम हैज थ्री प्रोसेसेस शेयरिंग फोर रिसोर्सेस, इफ ईच प्रोसेस नीड्स मैक्सिमम ऑफ टू यूनिट्स, देन ये चार ऑप्शन है, डेडलॉक कैन नेवर अकर, डेडलॉक मे अकर, डेडलॉक हैज टू अकर, और नन ऑफ दिस, ठीक है। ए सिस्टम हैज थ्री प्रोसेसेस, ठीक है, तो इसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ए सिस्टम हैज थ्री प्रोसेसेस P1, P2, P3, ठीक है, शेयरिंग फोर रिसोर्सेस, ठीक है, हमारे पास चार रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास चार रिसोर्सेज हैं जो कि ये शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो एक इसको दे देंगे, ठीक है, फोर रिसोर्स, इफ ईच प्रोसेस नीड्स ए मैक्सिमम ऑफ टू यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो सबको दो दो की जरूरत है, दो दो की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे एक इसको पकड़ा दिया, एक इसको पकड़ा दिया, एक इसको पकड़ा दिया, ठीक है, और हमारे पास है कितने, चार है, तो ठीक है, अभी भी एक हमारा हाथ में है, दैट मीन्स हम किसी को भी पकड़ा देंगे तो डेडलॉक फ्री हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स चार रिसोर्सेस पे हमारा डेडलॉक नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर तीन होते रिसोर्सेस तीन होते तो हमारा डेडलॉक आ जाता, क्योंकि सबको एक एक पकड़ाने पे डेडलॉक आ जाता, लेकिन रिसोर्सेस चार है, प्रोसेस तीन है, तो ये तो गारंटी है, अगर हम चार को किसी भी तरीके से बांटेंगे तो एक जने के पास गारंटी है दो प्रोसेस पहुंचेगी और उसका काम पूरा हो जाएगा, ये तो गारंटी है ना, चार प्रोसेस में किसी भी तरीके से बांटोगे किसी एक के पास दो आना तो पक्का है, और जिसके पास भी दो आएगा उसका काम निपट जाएगा, ठीक है, उसका काम पूरा हो जाएगा, फिर वो रिसोर्स छोड़ देगा। तो इसके अंदर क्या होगा भैया, अगर हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं और चार रिसोर्सेस हैं तो गारंटी की बात है डेडलॉक नहीं होगा, सो डेडलॉक कैन नेवर अकर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डेडलॉक कैन नेवर अकर, ओके। सो इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है, ठीक है।